ग्रेट्स में अब आपका नाम जोड़ा जा रहा है, देश के लिए मेडल जीता आपने ओलंपिक में। आज बहुत बढ़िया लग रहा है, हिब्बत तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि तीन चार दिन तो मन ने भी समझने में लगे भाई तेने मेडल जीत लिया आखिर में ओलंपिक में। यहाँ पर हम आपको जैसे बता रहे हैं कि ये जो आपने जो पहली बाउट जीती थी वो 10-0 की टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीती, अगली 12-0 से जीती, तीसरे भले आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो आपने जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट जो लड़ा अपना उसमें भी आप 13-5 की बहुत ही अच्छी बढ़त से आपने ये जीता, तो क्या आपके सामने जितने भी एक ऑपोनेंट को हटा दिया जाए तो आपके सामने जितने भी थे कोई आपके सामने टिके नहीं, ऐसा क्या था आपके गेम में और आपने ऐसे क्या रणनीति बनाई थी कि ये इतना अच्छा प्रदर्शन निकला? बस यही सोच के आए थे कि भाई भाई पहले तो दो मिनट नंबर नहीं देना किसी का, वो जो सेमी फाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब चार नंबर चले गए, इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लियूं, भी ओलंपिक में ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूं क्या मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। बिल्कुल, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि ये मेडल पहनने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है, आप बिल्कुल स्वर्ण पदक की ही उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा नहीं है? ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत है। यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि आप जो इतना मेहनत किए हैं, लेकिन आने से पहले एक ही बात हो रही थी कि यार पुरुष पहलवान सिर्फ एक ही है, हर बार कम से कम 4-5-6 तो ये अंदर थोड़ा सा प्रेशर था कि एकमात्र मैं ही हूँ पुरुष पहलवान भारत की तरफ से, ये अंदर कहीं भी था, चल रहा था दिमाग में? ये चल रहा था, मतलब वो प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लम मेरे मन में दो तीन और होते तो ठीक से, मतलब एक लम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। बिल्कुल, और ये जो आपने मेडल जीता है देश के लिए ये आप किसको समर्पित करना चाहेंगे, और उस लम्हे को भी एक बार बताइए, आप पहली बार ओलंपिक के स्टेज पे भारत के पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, उस लम्हे को थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। उस लम्हे शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े होते आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा आपने। और यहां से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। तो ये बात